उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 13 सीटों पर चुनाव होने हैं। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी से पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम पर मुहर लगाई। विधान परिषद के चुनाव के लिए सपा से स्वामी प्रसाद मौर्य, सोवरन सिंह यादव और अरविंद राजभर के नामों पर सहमति बन सकती है। इसके अलावा सुशील आनंद को MLC बनाया जा सकता है। कुछ वक्त पहले तक यह कहा जा रहा था कि सुशील आनंद आजमगढ़ सीट से लोकसभा उपचुनाव में उम्मीदवार बनाए जाएंगे। बता दें कि यूपी विधान परिषद की 13 सीटों में से 9 पर सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी का जीतना लगभग तय माना जा रहा है। वहीं विपक्षी दल सपा के 4 सीटों पर जीत हासिल करने के कयास लगाए जा रहे हैं। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य हाल ही में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से कुछ वक्त पहले ही भाजपा को छोड़कर सपा में शामिल हुए थे। बता दें कि सपा के सहयोगी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी भी विधानसभा परिषद चुनाव में एक सीट लेने के लिए दबाव बना रही हैं, जबकि पार्टी कुछ और नेताओं से भी वादा कर चुकी है। बता दें कि सुशील आनंद बाम सेफ के संस्थापक सदस्यों में रहे बलिहारी बाबू के बेटे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि सपा दलित कार्ड खेलकर अपने किले को बचाने की कोशिश कर रही है। बताते चलें कि आजमगढ़ सीट पर बसपा ने शाह आलम गुड्डू जमाली पर दाव लगाया है। वहीं सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी में आजमगढ़ सीट पर दावेदारी के लिए भोजपुरी सिंगर और एक्टर निरहुआ को चुना है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।